नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टेक्निकल है यूट्यूब चैनल में। आज हम आईटीआई में ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए निम्मी मॉक टेस्ट लगाएंगे और इस एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की संभावना है। और अभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है तो सबसे बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को देखें और निम्मी मॉक टेस्ट ही लगाएं जो आपके एग्ज़ाम में वेरी फिट देगा। लगभग लगभग अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने की संभावना है तो आप निम्मी मॉक टेस्ट को ही लगाइए। और हम लोग इस चैप्टर में इंक्लूड किए हुए हैं वायर्स, ज्वाइंट्स, सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट में 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो जब जब भी बात आए कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, तो हमें जितना भी रेटेड करंट दिया हुआ रहता है उसको 0.81 से इंटू करते हैं, इसको 0.81 से इंटू करने से इसका आंसर आएगा। और इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोलता है SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तार जोड़ का क्या नाम है। तो इस तार जोड़ का नाम हमारा है ऑप्शन बी, नॉटेड टेप जॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी। पांच नंबर कह रहा है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डीप सोल्डरिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। और XLPE का पूर्ण रूप है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइलेथीन। जो एक्स लिखा हुआ है उसको क्रॉस लेना है, तब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइलेथीन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो लूप टेस्ट से हम दो फॉल्ट पता कर सकते हैं, एक अर्थ फॉल्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। लेकिन इस फिगर में हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा पता करेगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा रेक्स इन एयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका बार सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एक। अच्छा, तो दो, आठ, 18 और एक लास्ट में। नेक्स्ट। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो जो नियोन लैंप होता है उसमें क्या होता है, गैस एनाइजेशन इफेक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट चलते।
कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो जो कुचालक प्रतिरोध होता है वो हम मेगा ओम में मेजर करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। एक मिनट, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा हमारा रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा बी केरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, टीन का भाग कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो जब धारा अत्यधिक समय तक बहता रहेगा तो क्या हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन होगा डक्ट पाइप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लेड सेथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है, फिर बोल रहा है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इससे हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट में, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी बेडिंग। नेक्स्ट, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, रेड टेल जोड़। इस जोड़ का क्या नाम है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें 25 का ए, मेरिट ज्वाइंट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो 27 का हमारा हो जाएगा सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 का सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। ये हमारा ऑप्शन होगा सी, लेड सीथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी, बिटुमिनस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, लूप टेस्ट से ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो इसमें जो हमारा दिखा रहा है 7, वो दर्शाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कितने कोर का है, और ये जो दिखा रहा है 1.40 ये हमारा प्रत्येक चालक का व्यास दिखा रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या मान है? तो हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, जो हमारा एल्युमिनियम चालक की चालकता है उसका मान 35 मोह पर मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल की अधिक धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूज होता है, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। जहाँ भी कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन आएगा वहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 0.81। चलिए आगे बताएंगे कहाँ पे इसका कन्फ्यूजन होगा सो, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37, इस औजार का नाम क्या है? तो ये औजार जो दिख रहा है वो क्या हमारा है, क्रिम्पिंग टूल है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो इस माइक्रोमीटर जो दिखाया गया इसमें पाठ्यांक जो दिखा रहा है ये हमारा ऑप्शन सी होगा, 4.55 mm का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सोल्डरिंग के साथ, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा मोर फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, तो जो भी रेटिंग दिया होगा उसको हम किससे इंटू करेंगे, इंटू 0.81 से। तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो हमारा 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कूलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल के पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन बता रहे थे जो फंसने का चांस था
उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को देखिएगा आप, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। तो जहाँ पे क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन दिखेगा वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 1.23। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ये दो क्वेश्चन है वो मिला के देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसी को बदल के दिया हुआ ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कम लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपर्याप्त उष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा लो रीडिंग, लो पाठ्यांक देगा, ऑप्शन ए। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। इसमें कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन पूछा है, तो इसमें सिर्फ एक ही होगा, होगा ऑप्शन डी, रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। और बाकी जो हमारा है वो हमारा, एक मिनट देखिए, जो यहाँ का ऑप्शन है डी, रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, ये हमारा कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का उदाहरण है। और बाकी जो हमारा दिया हुआ है MCB HRC फ्यूज, वो हमारा क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का उदाहरण होगा। तो हमारे यहाँ पूछा है कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हम हमारा होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, जहाँ पे कोर्स एक्सेस आ जाएगा वहाँ पे रिवायरल होगा, और जहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है वहाँ पे आ जाएगा क्लोज एक्सेस, तो हमारा फिर HRC होगा, MCB होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो हमारा जो 51 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, रिवायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। तो हम देखते हैं कि जो विस्तार लाइन है जो बिछाया गया है, सिरोपित लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे माथे के ऊपर से गया हुआ है, वो कैसा कंडक्टर होता है, बेयर कंडक्टर होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, बेयर कंडक्टर। तो ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप लोग इससे आप लोग अपने जो भी सेट लगा रहे हैं निम्मी का ही मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम में निम्मी मॉक टेस्ट से ही आने की संभावना है। ये आपके 80% सुनिश्चित करता है कि निम्मी मॉक टेस्ट से ही आएगा, और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग लगा कर तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है।